नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनामिका अहरवार आज इस वीडियो में फाइल एलोकेशन मेथड्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे सिस्टम पे हम फाइल्स बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसको सही तरीके से अगर एलोकेट करते हैं तो जब हम मुझे एक्सेस करना रहता है तो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। द एलोकेशन मेथड्स डिफाइन हाउ द फाइल्स आर स्टोर इन द डिस्क ब्लॉक। मतलब एलोकेशन मेथड्स क्या बताता है कि फाइल्स को हमें जो स्टोर की हुई है वो क्या करता है, डिस्क ब्लॉक में कैसे हमें स्टोर करना है ताकि हमें इजी टू एक्सेस हो जाए उनका। ठीक है, तो एलोकेशन मेथड्स प्रोवाइड अ वे इन विच द डिस्क विल बी यूटिलाइज्ड एंड द फाइल्स विल बी मतलब ये क्या कराता है, एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्क जो है अपनी विल बी यूटिलाइज, कितने अच्छी तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सको। और जैसे सही जगह पे अपन सामान लगा देते हैं ना तो अपन को स्पेस भी अपने पास अच्छा सा निकल आता है और वो चीज अच्छे से मिल भी जाती है। इसी तरह फाइल के साथ होता है, अच्छी जगह सही जगह से आप अगर स्टोर करके उसको रखो तो आप जिसका डिस्क का सही तरीके से यूटिलाइजेशन भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पार्टीशन आपने दो बना रखे हैं तो एक पूरी को उसको भर डालो, एक खाली पड़ी है, ऐसा नहीं। आप दोनों को थोड़ा थोड़ा पैरेलली इसको स्टोर करके रखो ताकि आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से वर्क कर सके। ठीक है, तो देयर आर थ्री मेन डिस्क स्पेस और फाइल एलोकेशन मेथड्स। पहला कौन सा हो गया, कॉन्टिगुअस एलोकेशन, दूसरा लिंक्ड एलोकेशन, तीसरा हो गया आपका इंडेक्स एलोकेशन। तो ये बेसिकली थ्री एलोकेशन मेथड्स आप उसको यूज करते हो एलोकेट करने के लिए फाइल्स को। बेसिकली इसके पीछे मेथड क्या होता है, जो अपन बोलते हैं ना जो मेथड है ये, उसका आइडिया कहाँ से है, क्यों बिहाइंड क्या है इसके पीछे, ये इसकी मतलब जो मेन है कि आप जो फाइल को स्टोर कर रहे हो उससे क्या हो जाए, इफिशियंट डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन, ताकि जो उसकी इफिशियंसी है डिस्क स्पेस की वो बढ़ जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा, फास्ट एक्सेस टू द फाइल ब्लॉक, हम जो फाइल्स है उस एक फास्ट एक्सेस हो जाएगी क्योंकि हमें पता रहता है। जैसे मान लो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स का स्टोर करने, अगर आपने फोल्डर में अलग अलग सेपरेट उसको क्लासिफाई कर दे तो आपको वो नोट्स इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, एक ही फोल्डर में आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स डाल दो तो आपको एक एक फाइल खोल के देखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं या डीबीएम इसके नोट्स हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली इसके पीछे आइडिया था। पहला एलोकेशन मेथड देखते हैं, कॉन्टिगुअस एलोकेशन। ठीक है, इन दिस मेथड ईच फाइल ऑक्यूपाइज ए कॉन्टिगुअस ब्लॉक ऑफ स्टोरेज स्पेस ऑन द डिस्क। इसमें क्या होता है कि जो हर फाइल है एक कॉन्टिगुअस ब्लॉक, मैं कंटिन्यूअस की बात नहीं करी, कॉन्टिगुअस मीन्स लगा हुआ जो होता है उसको, ठीक है, तो वो हम उसको वहां पे स्टोर कराते हैं, उसमें एक डिस्क में स्पेस देते हैं। इट इज सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, सिंपल होता है, आसानी से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स आर फास्ट सिंस द एंटायर फाइल इज स्टोर्ड इन अ सिंगल कॉन्टिगुअस ब्लॉक। जो रीडिंग और राइटिंग फाइल्स होती हैं उसको फास्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो जो अपने एंटायर फाइल में जो कॉन्टिगुअस ब्लॉक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस ब्लॉक होते हैं सिंगल, वो उसमें स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे एंटायर फाइल इज स्टोर्ड इन अ सिंगल कॉन्टिन्यूस ब्लॉक। अपन इसको डायग्राम से इसको और अच्छे से देखेंगे। हाउ एवर इट कैन लीड टू फ्रेगमेंटेशन वेयर फ्री स्पेस बिकम्स स्कैटर्ड अक्रॉस द डिस्क मेकिंग इट चैलेंजिंग टू एलोकेट लार्ज कॉन्टिगुअस ब्लॉक्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे हमने इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में देखते हैं ना कि कहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, कहाँ पे हमारा स्पेस वेस्ट हो रहा है, ये हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो क्या जो ये यहाँ पे स्कैटर्ड हो गए मीन्स अलग अलग ऐसे हो जाते हैं, तो ये हमारे चैलेंजिंग जॉब हो जाता है कि उस स्पेस को जो बचा हुआ है उसको हम कैसे बेस्ट टू बेस्ट तरीके से यूज करें। चलो डायग्राम में देखते हैं, ये अपनी क्या हो गई, हार्ड डिस्क हो गई। इस हार्ड डिस्क में क्या हो गया, ब्लॉक्स है। ठीक है, अभी ब्लॉक्स है, इसके अंदर क्या पे फाइल्स हैं। ठीक है, तो फाइल का नाम मान लो ये आपका movie.mp4 है। ठीक है, अब ये कहाँ से स्टार्ट हुई, जीरो से, इसकी लेंथ कितनी है, थ्री, जीरो से स्टार्ट हुई फाइल, लेंथ कितनी, थ्री, तो मीन्स कितने ब्लॉक इसको एलोकेट हो रखे हैं, 0, 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे 0, 1, 2 लिखा है। इसी तरह से xyz.txt फाइल है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, 4 से, देखो 4 से स्टार्ट हुई है, इसकी लेंथ कितनी है, 2, तो मतलब 4 और 5 जो ब्लॉक्स इसको एलोकेट हो रखे हैं इस फाइल को। तीसरी फाइल abc.docx है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 9, लेंथ कितनी है, 3, और कितने ब्लॉक्स एलोकेट कर रखे हैं इस फाइल ने, 9, 10, 11।
ठीक है, तो ये डायरेक्टर से हमें पता चल गया कि इस फाइल ने कितने ब्लॉक्स एलोकेट करके रखे हैं, कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है और कितनी उसकी लेंथ है, तो हमें इसको सर्च करना इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है कॉन्टिगुअस के। पहला क्या हो गया एडवांटेज, इट इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट। दूसरा हो गया वी विल गेट एक्सलेंट रीड परफॉर्मेंस। तीसरा सपोर्ट रैंडम एक्सेस इनटू फाइल्स। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो द डिस्क विल बिकम फ्रैगमेंटेड, इट मे बी डिफिकल्ट टू हैव अ फाइल ग्रो। तो यहाँ पे ये फाइल ग्रो के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको मान लो इसमें 3 ब्लॉक्स इसको देने पड़ जाए, अब बढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं 2 दे रखे हैं, और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये तो यहाँ से बंद ही हो रखा है, और यहाँ पे अगर हम इसकी फाइल बात करें 2 के बाद अगर हम इसको 5 देना रहता तो एक ही स्पेस खाली, एक ही दे सकते थे, एक तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई रख कर रखा था दूसरे किसी फाइल ने, तो ये चीज ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं लिंक्ड एलोकेशन। लिंक्ड में क्या आ जाता है, ईच फाइल इज अ लिंक्ड लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक्स। ठीक है, इसमें लिंक्ड बना रहता है ना, ताकि हम उस पे पहुंच पे, जैसे लिंक लिस्ट में अपन ने पढ़ रखा था ना कि नोड्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होते हैं। ई इसमें सेकंड हो गया, ईच ब्लॉक कंटेन्स अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक इन द फाइल। डायग्राम से और समझ में आएगा, हर ब्लॉक में एक पॉइंटर होगा जो कि नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा। इसमें क्या नो फ्रेगमेंटेशन अकर्स, कोई फ्रेगमेंटेशन इसमें नहीं होगा, बट रैंडम एक्सेस टू द फाइल इज स्लोअर कंपेयर टू कॉन्टिगुअस एलोकेशन बिकॉज द ब्लॉक्स आर नॉट स्टोर्ड सिक्वेंशियली ऑन द डिस्क। मतलब क्या हो गया, इसमें सिक्वेंशियली तो है नहीं, एक के बाद एक, तो रैंडम है क्योंकि जिस किसका कहाँ पे लिंक बैठ रहा है तो रैंडम चीज होगी, तो इसलिए वो स्लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू कॉन्टिगुअस एलोकेशन। डायग्राम से देखते हैं, देखो ये डायरेक्टरी रहेगी अपन को, ये फाइल है, स्टार्ट एंड बता दिया जाएगा और एंडिंग कहाँ पे हुई है वो। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम में हो रहा है कौन सी चीज किसको लिंक कर रही है, चलो देखते हैं। ईच फाइल इज ए लिंक लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक विच नीड नॉट बी कॉन्टिगुअस। हर फाइल में इस पे कोई ना कोई लिंक दी हुई है लेकिन वो कॉन्टिगुअस नहीं, देखो फ्रेगमेंट ना रैंडम हो रहे हैं ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, कहीं सिक्वेंशियली नहीं है मतलब। ठीक, द डिस्क ब्लॉक्स कैन बी स्कैटर्ड एनीवेयर ऑन द डिस्क। जो डिस्क ब्लॉक है कहीं पे भी स्कैटर्ड है, मीन बिखरा हुआ सा है। ठीक है, द डायरेक्टरी एंट्री कंटेन्स अ पॉइंटर टू द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग फाइल ब्लॉक। जो डायरेक्टरी की एंट्री हो रही है उसमें पॉइंटर होगा कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड, जैसे यहाँ स्टार्ट पॉइंट 9 है, एंड कहाँ हो रहा है 21 पे। ईच ब्लॉक कंटेन्स अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक ऑक्यूपाइड बाय द फाइल। हर ब्लॉक ने पॉइंटर कंटेन करके रखा है और बता रहा है कि अब नेक्स्ट कहाँ पे आपको जाना है। जो फाइल अपनी एक्स वाई जेड है वो क्या बता रही है कि हाउ द ब्लॉक्स आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे पता चल रहा है कितनी तरीके से वो आपको डिस्ट्रीब्यूट इसको रेंडमली कर रखा है उसने। तो जो लास्ट ब्लॉक है आपका, जो कि आपका कौन सा 21 है, कंटेन्स -1 दिख रहा है इसमें आपको, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नल पॉइंटर। नल पॉइंटर का मतलब क्या है, एंड डज नॉट पॉइंट टू एनी अदर ब्लॉक, मतलब इसका क्या नल पॉइंटर है, किसी दूसरे को पॉइंट नहीं कर रहा। जैसे ये देखो ये कर रहा है इसको पॉइंट, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये वाला क्योंकि नल पॉइंटर हो गया इसलिए किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था, इसलिए एंड स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये मेरा 9 से हुआ था, एंड कहाँ पे हो रहा है 21 पे। ठीक है, अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस में क्या है, एडवांटेजेस देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन विद लिंक्ड एलोकेशन, कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें नहीं है। एनी फ्री ब्लॉक कैन बी यूटिलाइज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द फाइल ब्लॉक रिक्वेस्ट। फाइल कैन कॉन्टिगुअस टू ग्रो एज लॉन्ग एज द फ्री ब्लॉक्स आर अवेलेबल। ठीक है, जैसे आपको वो अवेलेबल हो जाएगा तब वो कॉन्टिगुअस उससे ग्रो करेगा। उसमें हम नहीं कर पा रहे थे, इसमें कॉन्टिगुअस में, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी थी, हमें आगे किसी ने ऑक्यूपाई कर रखा था इसमें, इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रैंडम है, स्कैटर्ड है। डिसएडवांटेज क्या हो गया इसमें, सॉरी एक है डायरेक्टरी एंट्री विल ओनली कंटेन द स्टार्टिंग ब्लॉक एड्रेस। तो डायरेक्टर की जो एंट्री है इसमें हम स्टार्टिंग ब्लॉक बताएंगे कहाँ से अपना स्टार्ट हो रहा है। डिसएडवांटेज में क्या हो गया, रैंडम एक्सेस इज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते अपन को, जहां से स्टार्ट करना वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंटर्स रिक्वायर सम स्पेस इन द डिस्क ब्लॉक्स, एनी ऑफ द पॉइंटर्स इन द लिंक्ड लिस्ट मस्ट नॉट बी ब्रोकन अदरवाइज द फाइल विल गेट करप्टेड। ठीक है, कोई भी एक चीज अगर ब्रोक हो जाती है, जैसे हम गेम खेलते थे ना, कोई मैसेज पास करते थे तो फिर लास्ट वाले से पूछते थे कि भाई ये क्या मैसेज आया,
अगर गलत होता था फिर हम ट्रेस आउट करते थे कहाँ से मैसेज गलत पास ऑन होना शुरू किया, तो फाइल आपकी करप्ट हो गई। ठीक है, नीड टू ट्रेवर्स ईच ब्लॉक, इसमें हर ब्लॉक को ट्रेवर्स करना जरूरी होगा क्योंकि लिंक बनी हुई है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं इंडेक्स एलोकेशन पे। इसमें क्या हो गया, एन इंडेक्स ब्लॉक और टेबल इज मेंटेन विच कंटेन्स पॉइंटर्स टू एंड ऑल द ब्लॉक्स ऑफ ए फाइल। इसमें एक इंडेक्स बना देंगे, एक टेबल के फॉर्म में होंगे। हम जैसे बुक्स में देखते हैं इंडेक्स बना होता है, चैप्टर वन यहाँ पे है, यहाँ से इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक है, तो हमें उससे पता चल जाता है। ठीक है, तो इंडेक्स ब्लॉक इज इटसेल्फ स्टोर्ड ऑन द डिस्क, वो डिस्क पे स्टोर्ड होगा। तीसरा हो गया प्रोवाइड्स फास्टर एक्सेस टाइम्स कंपेयर टू लिंक्ड एलोकेशन बिकॉज द एंटायर इंडेक्स कैन बी लोडेड इनटू द मेमोरी। फास्टर एक्सेस होगा क्योंकि जैसे इंडेक्स से हमें फास्टर एक्सेस हो जाता है ना कि थर्ड चैप्टर अपना इस पेज नंबर पर मिला है, तो हम सीधे थर्ड इतने पेज नंबर पर उसको देखते हैं। लास्ट हो गया आपका रिड्यूसेस द ओवरहेड एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग लिंक लिस्ट, मतलब क्या करेगा, ओवरहेड को रिड्यूस करेगा और लिंक लिस्ट को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, अब जैसे डायग्राम में देखते हैं डायरेक्टरी आपकी फाइल क्या है, एक्स वाई जेड है, इसमें इंडेक्स ब्लॉक कितना दिया हुआ, 19 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस स्कीम में क्या होता है, स्पेशल ब्लॉक होता है जिसको हम इंडेक्स ब्लॉक बोलते हैं। उसमें क्या होता है, कंटेन्स द पॉइंटर टू ऑल द ब्लॉक्स ऑक्यूपाइड बाय द फाइल। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, देखो 19 है, अब किसको, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, 10th को पॉइंट कर रहा है, इसमें 16 को और 21 को, तो सबको कर रखा है इसने पॉइंट। ईच फाइल हैज इट्स ओन इंडेक्स ब्लॉक, हर फाइल का एक ओन इंडेक्स ब्लॉक होगा। द आइथ एंट्री ऑफ द इंडेक्स ब्लॉक कंटेन्स द डिस्क एड्रेस ऑफ द आइथ ब्लॉक। ठीक है, आइथ एंट्री में उस आई ब्लॉक का फाइल का एड्रेस होगा। डायरेक्टरी एंट्री कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द इंडेक्स ब्लॉक एज शोन इन द इमेज। डायरेक्टरी एंट्री आपको ये बताएगी कि कौन सी फाइल थी, उसका इंडेक्स ब्लॉक कितना है, उससे अपन को पता चल जाएगा ये किस किस से लिंक्ड है। ठीक है, अब हम आते हैं एडवांटेजेस पे। इट सपोर्ट्स डायरेक्ट एक्सेस टू द ब्लॉक्स ऑक्यूपाइड बाय द फाइल एंड देयरफॉर प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस टू द फाइल ब्लॉक्स। ठीक है, दूसरा हो गया इट ओवरकम्स द प्रॉब्लम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जिसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या हो जाता है, वो चीज ही पूरी वेस्ट हो जाती थी। ठीक है, अब डिसएडवांटेज की बात करें तो द पॉइंटर ओवरहेड इज ग्रेटर देन लिंक्ड एलोकेशन। वी कैन लूज द एंटायर फाइल इफ एन इंडेक्स ब्लॉक इज नॉट करेक्ट, अगर आपने इंडेक्स ही सही नहीं बताया, मतलब चैप्टर थ्री का इंडेक्स हमें पेज नंबर गलत डाल दे, तो हम ढूंढते रहेंगे लेकिन थर्ड चैप्टर पे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि पेज नंबर उसमें इंफॉर्मेशन ही इनकरेक्ट ही हुई है। इट इज टोटली वेस्टेज टू क्रिएट एन इंडेक्स फॉर अ स्मॉल फाइल, तो टोटली वेस्टेज हो जाएगा उस इंडेक्स फाइल को उसको बनाने का, क्योंकि हम हमारा पर्पज ही सॉल्व नहीं हो पा रहा उससे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अब हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में और देखते हैं कि एक एक करके कि एलोकेशन मेथड्स और जो आएंगे डिस शेड्यूलिंग, वो भी एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका न्यूमेरिकल आ ही जाता है, या एलोकेशन मेथड्स शॉर्ट नोट के नाम से आ जाता है, तो आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिएगा, इजी है, तो उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट टॉपिक इसको डिस्कस करते हैं। ओके, टिल देन यू टेक केयर एंड थैंक यू।